होता है। राष्ट्र है तो हम हैं, वरना हमारा कोई वजूद नहीं है। हमारा महान ये भारत राष्ट्र, जिसकी आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस समय G20 की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, और हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में भारत का जिस तरह से गौरव बढ़ाया है, मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा इस अवसर पर। हालांकि भाई कर्नल टीपी त्यागी जी ने स्नेहवश बहुत कुछ मेरे बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण भी कहा, पर जब गवर्नर साहब ने आते ही ये कहा कि आचार्य जी आपके अंदर तो अपने एक शब्द का फियरलेसनेस, तो मुझे लगता है बंधुओं और बहनों, अगर ये फियरलेसनेस भी कहीं से आई है, मैं पहले शांति सैनिक था और जब से मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था से जुड़ा हूं तो भीतर के अंदर ये भाव भी, इसलिए रामलीला मैदान से जो कुछ आपने देखा उसके अंदर इस सैनिक संस्थान से जुड़ने के बाद जो भाव उत्पन्न हुए, और जब जब राज्यपाल साहब महोदय के साथ बैठता हूं तो हमें तो यह लगता है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, इतनी ऊर्जा शौर्य पराक्रम निडरता। वरना आप बताइए उस रामलीला मैदान में उन लोगों की लाखों की उपस्थिति में एक नियथा व्यक्ति जिसके पास कोई कुछ भी नहीं अपनी रक्षा का, मैं समझता हूँ या आप सबकी दुआएं थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, राष्ट्र की सुरक्षा नदियों पहाड़ों या केवल सीमा रेखाओं से ही नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। आइए बंधुओं, आप और हम सब मिलकर के हमारे युवा पीढ़ी के अंदर, हमारी भावी पीढ़ी के अंदर कैसे सदसंस्कार आए, कैसे वो इस दृष्टि से मजबूत बने जिससे कि हमारा देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़े और भारत विश्व गुरु जगत गुरु के रूप के अंदर स्थापित हो, अखंड भारत का सपना साकार हो। मैं इस समय अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, समय की नजाकत जानता हूं, किंतु एक घोषणा के साथ आपको दावत दे रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं, आगामी महावीर जयंती यानी कि अप्रैल 2, 3, 4, इस दौरान महामहिम राज्यपाल साहब की सुविधा अनुसार एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन का सेंट्रल हॉल या अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का मुख्य हॉल के अंदर जिसकी भी उपलब्धता होगी, और उस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा अवार्ड से भी माननीय राज्यपाल श्री के करकमलों से सम्मानित किया जाएगा। मैं कर्नल टीपी त्यागी साहब जो उस कार्यक्रम का संचालन भी करेंगे, उनको ये दायित्व देता हूँ कि अधिक से अधिक हमारी सैनिक संस्थान के सदस्य वहां पर उपस्थित हो। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ बंधुओं और बहनों, जीवन में कभी भी अवसर आए, जब हमारी संस्कृति पे आँच आए, जब हमारे धर्म पर आँच आए, जब हमारे महान परंपराओं और मूल्यों पर अगर आँच आए, तो उस समय चुप बैठना नहीं, उसका अगर प्रतिकार नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ हम जीते जी मुर्दा हो जाते हैं। उस समय रामलीला मैदान में भी जो कुछ घटित हुआ वो हमारी महान सनातन परंपरा, प्राचीन हमारा महान प्राचीन जैन बौद्ध परंपरा, सिखों की महान शहादत जो है उसको जब नजरअंदाज किया जा रहा था, जो कि मेरे लिए वो गवारा नहीं था, मेरे मन में किसी के प्रति कोई नफरत का भाव नहीं, किंतु वो एक वैचारिक एक सैद्धांतिक जो है वो मतभेद था। और अगर मैं ये स्पष्ट नहीं करता तो लाखों की भीड़ के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के अंदर गलत संदेश जाता, अनगाव बढ़ता, वैमनस्य बढ़ता, नफरत बढ़ता, दुराव बढ़ता। उसको रोकने के लिए और उसकी प्रेरणा कहीं से मिली, तो सैनिक संस्थान से जुड़ने के बाद जो अभय का भाव
और भगवान महावीर स्वयं कहते हैं कि अभय हुए बिना कोई अहिंसक नहीं हो सकता। राज्यपाल महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, तीर्थंकर महावीर ये कहते हैं अहिंसक होने की अनिवार्य शर्त है अभय होना। अगर अभय और निडर नहीं है तो अहिंसक भी नहीं हो सकता। आइए बंधुओं, हम अहिंसक भी बने, अभय भी बने, निडर भी बने, और अभय और निडरता, साहस और पराक्रम के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे, इस भारत को अखंड बनाने के लिए अपना तन मन धन न्योछावर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपने आमंत्रित किया, यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्थान का सदैव ऋणी रहूंगा और उस संस्थान की यत किंचित सेवा का अवसर भी मिलेगा। मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा, अपने जीवन को कृतार्थ समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। जय भारत माता की। जय भारत माता की। जय।